तो हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, टॉर्क इज बेसिक जनरेटर, यानी कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ टॉर्क। तो देखते हैं कि यह बेसिक फंडामेंटल टॉर्क का होता है क्या, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो है कि यह है अक्ष रेखा पर लगाए जाने वाले बल के द्वारा उत्पन्न घुमाव शक्ति है। किसी वस्तु को अपनी अपनी धुरी के चारों ओर घुमाओ के लिए दिया गया टर्निंग ट्विस्टिंग इसे बल तथा अर्धव्यास ये गुणनफल से जाना जाता है। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, यह एक अक्ष पर अक्ष रेखा पर लगाए जाने वाले बल के द्वारा उत्पन्न घुमाव शक्ति है। अक्ष रेखा पर क्या कह रहा है, अक्ष रेखा पर यानी कि इस तरह का कोई रेखा होगा, इस तरह से कोई रेखा आएगा, ठीक, इस पे जो घुमाव शक्ति लगेगा इस तरह से, ये जो घुमाव शक्ति लग रहा है यहां पे, ये नॉर्थ पोल,
इधर एक और बनाएंगे तो क्या होगा, चार्ज होगा। उसी प्रकार है कि यह घुमा सकते हैं, यानी कि यह एनर्जी है जिस पर किसी वस्तु को अपनी धुरी के, यानी कि जो केंद्र है, ये जो केंद्र है इसके धुरी के चारों ओर घूमने के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है, उस शक्ति प्रदान की जाती है ताकि उस शक्ति के बल पर वो अपने केंद्र यानी धुरी के चारों ओर घूम सके। और कोई भी वस्तु जब घूमती है तो उसे आरपीएम में नापते हैं, यानी कि राउंड पर मिनट, क्या चीज नापते हैं, राउंड पर मिनट में नापा जाता है। फिर क्या करा दिया गया, हम आपके दिया गया टर्निंग और ट्विस्टिंग बल है। क्या है जो घुमाव के लिए दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, टर्निंग या ट्विस्टिंग बल कहते हैं। कौन सा फोर्स होगा, तो टर्निंग या ट्विस्टिंग फोर्स। जब इसको बल दिया जा रहा है अक्ष रेखा से तो क्या कर रहा है, धुरी की ओर घूम रहा है, यानी कि जब घूम रहा है यानी टर्न हो रहा है। ट्विस्टिंग करने का मतलब क्या हुआ कि वो कितना घूम रहा है एक मिनट में, जो उसको टेस्ट कर रहे हैं नाप रहे हैं वही क्या हुआ, ट्विस्टिंग फोर्स हुआ। कह रहा है कि इसे बल अर्धव्यास के गुणनफल से जाना जाता है। इस बल को क्या जानते हैं, अर्धव्यास के गुणनफल। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला एफ यानी कि फोर्स गुने रेडियस, क्या होगा, फोर्स गुने रेडियस। क्या हो जाएगा, फोर्स गुने रेडियस। टॉर्क बराबर क्या होगा, फोर्स गुने रेडियस। याद रखिएगा हमेशा जब पूछेगा कि टॉर्क बराबर क्या होगा तो क्या हम लोग बोलेंगे, फोर्स गुने रेडियस। तो डीसी मोटर की टॉर्क में टॉर्क के उत्पन्न होने वाले होने को दर्शाया गया दर्शाया गया है आर्मेचर की स्लॉट में आर्मेचर की स्लॉट में आर्मेचर के स्लॉट में चालक रखे जाते हैं, चालक रखे जाते हैं जब चालकों में धारा नहीं होती है नहीं होती है तो हम चुंबकीय धुरी मुख्य चुंबकीय ध्रुव का फ्लक्स आर्मेचर में से अपनी आकृति को
जिन्हें आप बदले बदले पर कपूर कर लेते हैं। यह परिवार यह परिवार आर्मेचर के आर्मेचर के कटाव द्वारा पूर्ण होता है। आर्मेचर के चारकोर आर्मेचर के चारकोर तो धारा प्रवाहित की जाती है। जो धारा प्रवाह की जाती है तो एक और चुनौती चित्र से एक चुनौती चित्र अस्तित्व में आता है। क्या कह रहा है ये कि टॉर्क बराबर क्या होता है, एक गुने आर। तब क्या होगा कि जब डीसी मोटर की टॉर्क के उत्पन्न होने वाले बल को क्या किया है, दर्शाया गया है, तो आर्मेचर के स्लॉट में चालक रखे जाते हैं। आर्मेचर के स्लॉट में हम पहले भी बता चुके हैं कि आर्मेचर का स्लॉट कैसे होगा, इस तरह का होगा। आर्मेचर का स्लॉट इस तरह से बना होता है, गोल घुमाता है ना, इस तरह से एक गोल नुमा स्लॉट, यही है स्लॉट। इसमें क्या है, इसके ऊपर क्या है, इस तरह से वाइंडिंग किया जाता है, यही से बीच में ये चालक कंडक्टर रहता है ना, और यहाँ पर आके पूर्ण कर देता है। और इस बीच में क्या होता है, ये बेरिंग लगा हुआ रहता है जिसके जरिए इसमें शाफ्ट निकाला जाता है। तब क्या होता है, जब चालकों में धारा नहीं होती है यानी कि यह शून्य है, अभी इसमें करंट फॉलो नहीं किया जा रहा है, तब क्या होता है, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स आर्मेचर में से अपनी आकृति को बिना बदले पथ को पूर्ण कर देता है। यानी कि मेन फेज में मेन टर्मिनल में लाइन दिया गया है और इस आर्मेचर में अभी लाइन नहीं पहुंचा है, तो क्या करता है, जो इसे सेकेंडरी पोल है, सेकेंडरी शाफ्ट है, जहां से इसे करंट मिलेगी, क्या करता है कि इसमें बिना परिपथ को बदले, जैसे कि एक परिपथ के द्वारा एक आर्मेचर में जा रहा है ये करंट कंडक्टर, और एक यहां पर सेकंड कंडक्टर,
क्या है सेकंड कंडक्टर, इसमें आ रहा है लेकिन इसमें भी पहुंचने में टाइम लगेगा, तो क्या है कि जिस तरह से ये इसमें पूर्ण हो चुका है परिपथ एक पूर्ण कर चुका है, उसी तरह से यहां पर भी क्या होगा ये अपना पूर्ण कर देगा। तो मुख्य चुंबकीय ध्रुव का फ्लक्स आर्मेचर में से अपनी आकृति को बिना बदले पूर्ण कर देता है, यह परिपथ आर्मेचर के कटाव द्वारा पूर्ण होता है। क्या होता है आर्मेचर के कटाव, आर्मेचर का कटाव मतलब क्या हुआ कि दो फ्लक्स यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि दो ध्रुवों के बीच में जब फ्लक्स उत्पन्न होता है और आर्मेचर में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उस दोनों के बीच के डिफ्रेंसिएशन को क्या कहते हैं कटाव कहते हैं, और उसी कटाव के बीच की जो दूरी होता है तो क्या कहता है वो फ्लक्स दूरी या टॉर्क कहा जाता है। तो उसके द्वारा क्या होता है यह पूर्ण करता है। आर्मेचर के चालकों में जब धारा प्रवाहित की जाती है, अब यहाँ से आर्मेचर के ये कंडक्टर में जो ऊपर से जो कंडक्टर देख रहे हैं लगा हुआ है, तब क्या होता है कि एक और चुंबकीय क्षेत्र अस्तित्व में आता है। यहाँ पर तो केवल नॉर्थ पोल है, ये क्या है केवल नॉर्थ पोल, तो क्या होगा एक और अस्तित्व में आएगा जो साउथ पोल का निर्माण करेगी। याद रखिएगा जब भी किसी कंडक्टर में किसी आर्मेचर में या किसी चालक में इलेक्ट्रॉन कब प्रवाहित होगा जब उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, क्या होगा ईएमएफ उत्पन्न होगा तभी उसमें क्या होगा करंट फॉलो होगा और फ्लक्स की मात्रा भी उसके बराबर होगी, दोनों बराबर होनी चाहिए फ्लक्स की मात्रा और ल्यूमेन की मात्रा। ल्यूमेन किस में निकलता है जिसमें प्रकाश उत्पन्न होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इससे भी प्रकाश उत्पन्न होगी जब लोड डालेंगे, क्योंकि इसमें तो कंडक्टर में तो जा रही है ना चालक में, तो वहां से जब हम एक फेज निकालेंगे तो इसमें भी क्या होगा ईएमएफ उत्पन्न होगा और लोड के कारण आर्मेचर घूमेगी ऊपर नीचे और क्या होगा करंट पैदा होने लगेगी। यहां तक तो समझ गए होंगे। तो क्या हम लोगों ने देखा कि किस तरह से टॉर्क में यानी कि एक अलग से एक और फोर्स उत्पन्न होगी, उसे क्या कहेंगे नॉर्थ पोल, जो साउथ पोल कहेंगे, जो पहला फोर्स उत्पन्न हो रहा था उसे क्या कहते थे नॉर्थ पोल। तो अब देखते हैं कि किस तरह से साउथ पोल में जब धारा उसमें पहुंच जाती है एक कंडक्टर जब अपना परिपथ पूरा करता है तो दूसरे कंडक्टर में किस तरह से परिपथ से करेंट जाता है। तो इस कारण आर्मेचर के असर एक
आर्मेचर के स्लॉट के इस तरफ चुंबकीय शक्तिशाली शक्तिशाली हो जाता है। और दूसरी तरह चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है। बलों के अंतर को स्लॉटों के प्रकार ये फोर्स खींचते हैं। सारे कटाव से उत्पन्न हुआ खिंचाव क्या करा है उसको क्या बताते हैं कि एक दूसरा घुमाव बल उत्पन्न होता है। तो इस कारण आर्मेचर के स्लॉट जो स्लॉट हम बना के दिखाए थे क्या है उस स्लॉट के एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली हो जाता है। दो को पोल बनना है एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो क्या होता है कि नॉर्थ पोल मजबूत हो जाता है और साउथ पोल कमजोर हो जाता है। वही कह रहा है एक क्षेत्र शक्तिशाली हो जाता है यानी कि नॉर्थ पोल क्या हो जाता है शक्तिशाली हो जाता है इसका दूसरी तरफ साउथ पोल क्या है चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है। एक तरफ मजबूत हो रहा है तो दूसरी तरफ कमजोर हो जा रहा है। बलों के अंतर के कारण ये दोनों में जो बल का अंतर पड़ जा रहा है जो डिफरेंस हो रहा है उसके कारण क्या होता है कटाव एक ओर खींचते हैं यानी कि निश्चित है कि जो मजबूत रहेगा उसको अपनी ओर खींचेगा यानी कि कमजोर को क्या करेगा जो मजबूत है वो अपनी ओर खींचने लगेगा। तो क्या हुआ उस खिंचाव के कारण जो उसका भी एनर्जी अपने में ऑब्जर्व ले रहा है यानी कि जो कटाव हो रहा है जो खींच रहा है इसके कारण इस खिंचाव के कारण क्या होता है कि आर्मेचर घूमने लगता है ऊपर नीचे घूमने लगता है। अब आप समझ गए होंगे कि आर्मेचर क्यों मूव करता है। आर्मेचर किसे कहते हैं तो मोटर या जनरेटर में घूमने वाला पार्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं आर्मेचर कहते हैं याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये दो बल जो बन रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में किस तरह से चुंबकीय रेखा के कारण एस्लोट में अंतर आता है और कहाँ कहाँ इसका वाइंडिंग की जाती है ये देखते हैं।